राम जी, राधे की रसोई में थारा स्वागत है। आज मैं पापड़ी चाट के लिए पापड़ी तैयार करूंगी। तो ये पापड़ी के लिए मैं मैदा ली हूँ 1 कटोरी, और नमक दियो है, और उनके बाद में थोड़ी अजवाइन डाल दी, और अजवाइन डालने के बाद में मैं इनमें मोइन देऊंगी थोड़ा तेल को, रिफाइंड तेल को। तो देख सको हो कोई चीज को, दे रिफाइंड को, सरसों को या घी को, कुछ भी दे सको। इस तरीका से मैं इन्हें पूरा ना मिक्स कर दूंगा। जे बालू शाही को मैदा तैयार करा है ना, उन्हीं हिसाब से नमकीन मैदा तैयार करनी है। सिर्फ बिखरी हुई मैं बालू शाही की भी रेसिपी दे रखी है, अगर होली पर अब बनाऊ तो ये संडे स्पेशल वैरायटी बनाओ, हर संडे ना अलग अलग चीज बना के खाओ। ये देखो अब मैं इन्हें पूरा नहीं इकट्ठो करके और थोड़ा तेल लगा के तुरंत बनाऊंगी, छोड़ लो नहीं तुरंत बनाऊंगा तो भी बहुत बढ़िया बने। यह मैदा मैं एकदम तैयार करनी हूँ, देखो इस तरीका से बिखरी बिखरी रहनी है, ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा नरम भी नहीं। अभी की मैं तुरंत छोटी छोटी गोली बनाऊंगी, जितनी थाने बड़ी पापड़ी चाहिए उतनी। एकदम मैं तो एकदम छोटी बना रही हूँ ताकि मुंह में एडजस्ट हो सके आदमी का। मेरी छोटी छोटी सादा सिंपल रेसिपी रहे ना, थे आगे शेयर कराया करो, ते फुल वीडियो देखा करो और लाइक कराया करो, और चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कराया करो, सपोर्ट बनाओ थोड़ी। ना कोई तेल के ही देखो कितनी बढ़िया से बिल के तैयार होंगे। देखो इस तरीका से बेल बेल के इकट्ठी कर लो, कोई जरूरी नहीं है एक ही साथ थे, अलग अलग गोज के तैयार करो, पूरी इकट्ठी कर लो उनके बाद गोज लो। चार चार पांच पांच एक साथ लेकर और इस तरीका से थाने गोज देनी, और इस तरीका से गोज कर दोनों तरफ से, और फिर डालो इन थे काफी दिन के लिए स्टोर कर सको हो। अगर एक साथ भी डाल दोगे तो ये अपने आप खुल जाएंगे, महीना दो महीना के लिए स्टोर भी कर सको हो थे इन। और जल्दी मैं थाने दोनों तरह की चटनी, हरी और इमली की चटनी को वीडियो भी डालने वाली हूँ, वो भी देखियो। ये सब एक साथ छोड़ दे रही हूँ ना, और तुरंत अभी ये तेल में उबाल मारेगा ना तो तुरंत छोड़ देंगे, अलग अलग खिल जाएंगे। तो कितनी बढ़िया से कलर चेंज हो गया, कितनी बढ़िया से सिक रही है, तो पलट पलट के इनने पूरी सेक लेनी है बादामी कलर की, तो सिकना वाली ही बस। अब मैं इन्हें निकालूंगी एकदम तैयार। आवाज देखो एकदम करारी आवाज आ रही है। तैयार इस तरीका से ही मैं और बनाऊंगी। तैयार कर रही हूँ पापड़ी चाट। सबसे पहले मैं पापड़ी रखी हूँ, पापड़ी रखने के बाद में मैं इनको ऊपर डालूंगी आलू। आलू डालो, जितनी बढ़िया से सजाओगा उतना ही टेस्ट अच्छा आओगे जीभ ना। आलू के बाद सब पे दही दियो जाओगे, और दही के बाद हरी चटनी। और उसके बाद ये इमली वाली चटनी, और जल्दी मैं थाने दोनों चटनी की रेसिपी भी मैं डालने वाली हूँ वीडियो, तो थे देखियो जरूर से। अब थोड़ा मसालों डालूंगी, और मसालों डालने के बाद में प्याज हरी, और हरी प्याज के बाद में धनिया, और धनिया डालने के बाद में फिर थोड़ी सी इमली की चटनी वगैरह, और यह एकदम तैयार है अपनी पापड़ी चाट। कितनी बढ़िया से पापड़ी चाट तैयार हुई।